नमस्कार साथियों, 14 अक्टूबर 2024 वार की यदि बात करें तो सोमवार है। हमारी और आपकी पिछले दिनों में काफ़ी मुलाकात नहीं हुई है, आगे भी हो सकता है यही स्थिति रहे, लगभग 25-26 तारीख तक यही स्थिति रहे। कल हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए मुलाकात हो जाए, बाकी मुलाकातें अब नहीं होंगी। नवंबर उसके बाद हमारी और आपकी कंटिन्यू मुलाकातें होती रहेंगी। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं तो आज जो आवक रही है 3.5 लाख बैग की रही है। जयपुर कंडीशन 6850 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। खैरतल 6480 रुपये की स्थिति रही है। भरतपुर 6440 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। अलवर 6500 रुपये के बाजार रहे। खेरली 6550 रुपये। खेरली 6440 रुपये। बहरोड 6500 रुपये की स्थिति रहती हुई नजर आई है। वहीं यदि हम बात करें टोंक 6450 रुपये। निवई 6470 रुपये के बाजार रहे। मालपुरा की बात की जाए तो मालपुरा 6600 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। कोटा और बारा की स्थिति 6400 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। यदि हम बात करें उसके अलावा सुमेरपुर और केकड़ी की तो 6750 रुपये। 42 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार रहे। मेड़ता मंडी 40 लैब 6000 रुपये बिकती हुई नजर आई है। गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिलों में बात की जाए तो लैब प्लस 2000 से 2100 रुपये के बीच में स्थिति रहती हुई नजर आई। यदि हम बात करें हम बीकानेर मंडी की तो बीकानेर मंडी में 6100 रुपये तक ऊपर में माल बिकता हुआ नजर आया। कमोबेश शेखावटी रीजन में भी यही स्थिति आज सरसों के बाजारों में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर दादरी 6550 रुपये, भिवानी 6500 रुपये, सिवानी 6350 रुपये की स्थिति 6325 रुपये की स्थिति रही। रेवाड़ी 6500 रुपये की स्थिति आज रहती हुई नजर आ रही है। यदि हम प्लांटों के भाव की बात करें तो गोयलकोटा 6700 रुपये के बाजार रहे हैं। वहीं सलोनी कोटा 7425, शमशाबाद 7525, दिग्नेर 7525, अलवर 7425, मुरैना 7500 रुपये की स्थिति आज सरसों के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति आज के दिन प्लांटों के भाव में सरसों में रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी गिरावट है, कच्चे तेल में भी गिरावट आज देखने को मिल रही है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।